ये जो हमारा एक स्मॉल लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू हाउ टू कैलकुलेट वेक्टर इन इलेक्ट्रिकल फोर्स. सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल, जब हम वेक्टर फॉर्म की, इलेक्ट्रिकल फोर्स में वेक्टर फॉर्म की जब बात करते हैं तो उसमें जो वेक्टर हम इंक्लूड करते हैं उसके रिलेटेड ये स्मॉल वीडियो रिप्रेजेंट किया गया है. हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का अगर स्केलर हम काउंट करें तो स्केलर इज नथिंग, इट इज द मैग्नीट्यूड. एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. बट जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, वहाँ पे आर वन टू स्क्वायर या आर टू वन स्क्वायर या आर वन थ्री स्क्वायर या आर थ्री वन स्क्वायर ऐसी वैल्यू आ जाती है. तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. जैसे कि फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो एफ वन टू इज इक्वल टू, फोर्स एफ वन टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर इंटू आर वन टू कैप. तो हमारा ये जो वीडियो है वो आर वन टू कैप के बारे में, कि हाउ वी कैलकुलेट आर वन टू कैप. अब हम पहले एक सिंपल डायग्राम में जाते हैं. जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दैट इज द टू बॉडी फोर्स, बिकॉज उसमें जब हम डिस्कशन करते हैं तो ओनली टू चार्जेस को ही लेके डिस्कशन करते हैं. सो सपोज हमारे पास एक चार्ज है क्यू वन, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू वन चार्ज है. दूसरा अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्यू टू चार्ज है. अब ये क्यू वन एंड क्यू टू यहाँ पे हम ऐसा लेके चलते हैं कि बोथ आर लाइक चार्जेस. क्लियर है कि लाइक चार्जेस है, डैट मीन्स या तो बोथ आर पॉजिटिव या तो फिर बोथ नेगेटिव. चलो हम इसको लेके अब आगे डिस्कशन करते हैं. तो जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमें पता है कि इनिशियली वी हैव टू डिसाइड द पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू. और पोजिशन वैक्टर को डिसाइड करने के लिए वी हैव टू डिसाइड अबाउट द ओरिजिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड वन ओरिजिन, और वी नो दैट ओरिजिन इज नथिंग, इट इज इन टू डायमेंशनल, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस. इन थ्री डायमेंशन इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. सो हम यहाँ पे ओरिजिन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओरिजिन इज हियर, उसको हम नॉर्मली ओ रिप्रेजेंट कर दे. नाउ ओ से क्यू वन का जो पोजिशन वैक्टर है डैट इज आर वन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. ओ से क्यू टू का जो पोजिशन वैक्टर है उसको भी अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें देन इट इज आर टू जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. अब हमें पता है कि यहाँ पे क्यू वन एंड क्यू टू बोथ आर द लाइक चार्जेस. अगर वो लाइक चार्जेस है और मुझे अगर Q2 पे फोर्स कैलकुलेट करना है सो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो फॉर्मूला तो हमने जैसे आगे देखा कि K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप. सो हाउ वी कैलकुलेट दिस R12 कैप, तो ये वीडियो इसके रिलेटेड है. चलो तो हम पहले तो फोर्स की बात कर ले कि Q2 पे Q1 किस डिरेक्शन में फोर्स लगाएगा. हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो Q1 एंड Q2 से जो लाइन बनेगी उसी लाइन पे आएगा. डैट मीन्स उसकी डिरेक्शन अगर हमें मिलेगी तो दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी पे मिलेगी. तो सपोज ये डॉटेड जो लाइन की वो उसकी लाइन ज्वाइनिंग है. अब रिपल्सिव फोर्स है सो Q1 Q2 पे कहाँ पे लगाएगा, तो Q1 से Q2 की डिरेक्शन में, मीन्स ये डिरेक्शन में ये फोर्स लगेगा. डैट मीन्स अगर उसका पोजिशन वेक्टर हमें जो रिप्रेजेंट करना है तो वो ऐसे बनेगा ये डिरेक्शन में. आप इसका एरो देख रहे हो कि ये यहाँ पे है. डैट मीन्स इसको हम अगर नेम दे दें R21, तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू वन क्यू टू. अब देखो यहाँ पे हमें ऐसे दो पोजिशन वैक्टर लेने हैं कि जो दो का एडिशन थर्ड बनता हो. तो आप डायरेक्ट जो डायग्राम है उसको अगर क्लियरली देखो तो वहाँ पे आप क्लियर ये देख पा रहे हो
कि आर वन में अगर हम आर टू वन ऐड कर दें तो हमें आर टू मिलेगा एज पर द ट्राइंगल लॉ। सबको ये याद होना चाहिए कि ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, कि पहले हम एक वेक्टर लें, उस वेक्टर के हेड पे मींस आर वन पे दूसरे वेक्टर की टेल रख के दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ कर दें और रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द जो फर्स्ट है उसकी टेल में से शुरू होगा और जो दूसरा है उसकी हेड पे वो कंप्लीट होगा। सो आर टू यहाँ पे ऐसे हमें मिल रहा है। सो इस पर से हम कह सकते हैं कि आर टू वन इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। सो यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है सो आर टू वन कैप इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर टू माइनस आर वन। चलो ये स्मॉल फॉर्मेट हो गया। दैट मीन्स अगर दोनों लाइक चार्जेस नहीं है इन दैट केस एक प्लस है एंड दूसरा माइनस है नेगेटिव है तो इन दैट केस एट्रैक्टिव फोर्स इज देयर। और अगर एट्रैक्टिव फोर्स है सो इन दैट केस आर टू वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, उसमें इससे अपोजिट हो जाए। आई थिंक आप सबको इसमें समझ में आ गया होगा कि इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत है देन यस माई मोबाइल नंबर इज विथ यू सो यू कॉल मी एंड डिस्कस अबाउट द सेम पॉइंट। थैंक यू।